नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ खास खबरों पर। विवादों में फंसा शिक्षा विभाग का किताब खरीद मामला, सरकार ने बैठाई जांच। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स के विद्यार्थियों के लिए प्रकाशकों के माध्यम से खरीदी जा रही पुस्तकों का मामला विवादों में फंस गया है। घोटाले की आशंका के चलते सरकार ने इस मामले में जांच बैठा दी। समग्र शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना कार्यालय पुस्तकालयों के लिए 10 करोड़ रुपए की किताबों की खरीद कर रहा है। वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए 49 फर्में शॉर्ट लिस्ट की गई है। आरोप है कि चयनित 33 फर्मों के पते 8 पतों पर दर्ज है। दिल्ली की एक कोरियर कंपनी के पते को 8 प्रकाशकों ने अपना पता बताकर विभाग के पास दर्ज करवाया है। उत्तर मध्य भारत हिंदी प्रकाशक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा सचिव को शिकायत भेजी है। विद्यार्थियों के लिए 15 जुलाई के बाद खुल सकते हैं स्कूल। हिमाचल प्रदेश में 15 जुलाई के बाद विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल सकते हैं। शीतकालीन जिलों से इसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले सिलेबस से जुड़ी शंकाओं को दूर करने के लिए बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की स्कूल्स में अभी नियमित कक्षाएं लगाने का विचार नहीं है। अभिभावकों के मंजूरी पत्र पर पूर्व की तरह ही इन्हें बुलाया जाएगा। सोमवार को स्वास्थ्य और शिक्षा सचिव की बैठक में इस मामले पर विस्तृत चर्चा हुई। ट्रक खाई में लुढ़का, चालक की मौत। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जामली के समीप एक ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में लुढ़क गया, जिससे ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक स्वारघाट की तरफ से बरमाणा की ओर जा रहा था कि जामली के पास ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। जानकारी के अनुसार ये ट्रक थोड़ी ही देर पहले गंभर पुल में सीमेंट उतार कर वापस जा रहा था। ट्रक के खाई में गिरने की सूचना लोगों ने फोन के माध्यम से सदर पुलिस को दी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लोगों की मदद से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेजा। ट्रक चालक की पहचान गोपाल सिंह निवासी नालियारी तहसील नैना देवी जिला बिलासपुर के रूप में हुई। डीएसपी बिलासपुर राजकुमार ने बताया कि सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल में भेज दिया गया है। तो ये थे हिमाचल से जुड़े हुए आज के कुछ खास समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।